जो कैपिलरी राइज होता है दो ये दोनों बीकर में कैपिलरी को इंसर्ट करना है और ये देखिए यहाँ पे ये हाइट आपको कैलकुलेट करना है हाइट फॉर नॉर्मल वाटर और हाइट फॉर ये सोप सॉल्यूशन यहाँ तक ये राइज होता है ठीक है आई थिंक हाँ ये हाइट ऑफ सोप सॉल्यूशन तो ये दोनों हाइट्स को कंपेयर करना है ठीक है और कंक्लूजन आपको ड्रॉ करना है ठीक है तो जो एप्रेटस आपके पास है कैपिलरी ट्यूब है बीकर कंटेनिंग वाटर रबर ट्यूब स्टैंड वुडन ब्लॉक ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ये सारी चीज़ें आपके पास गीवन है वहाँ पर तो यहाँ पे एक बात साफ है कि देखिए जो सोप सोल्यूशन है उसका जो सरफेस टेंशन है वो कम होता है ठीक है सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन ये कम होता है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ठीक है तो ये जो हाइट है सोप सोल्यूशन की ये कम आएगी हाइट ऑफ वाटर से ये एक्चुअल में लास्ट का कंक्लूजन होगा ये जो वाटर राइज होता है ना इनसाइड कैपलेरी ये कम होता है क्योंकि इसका जो हम क्या बोलेंगे इसका सरफेस टेंशन कम होता है सोप सोल्यूशन का और ये वाटर का ज़्यादा होता है तो ये वाटर यहाँ पे ज़्यादा राइज करता है तो वाटर की हाइट हमको ज़्यादा दिखाई देगी मेरे ख्याल से ठीक है तो लुक एट द ऑब्जरवेशन टेबल ठीक है तो ऑब्ज़र्वेशन टेबल और राइटअप दोनों में से कोई एक चीज़ आपको करना है तो बजाय राइटअप के आप सारे ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर रिकॉर्ड कीजिए ठीक है राइटअप करने की ज़रूरत नहीं जस्ट ये ऑब्जर्वेशंस आप रिकॉर्ड कीजिए चाहो तो शॉर्ट में लिख भी सकते हैं कि आपने ये कैसे डिटरमाइन किया तो यहाँ पे कैपिलरी को डिप किया पानी के अंदर ठीक है और ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से आपने मेनस्कस की रीडिंग ली है और बाद में सरफेस ऑफ वाटर की रीडिंग ली है तो ये आती है यहाँ पे 6.65 फिर आपने टिप की रीडिंग ली है मतलब देखिए ये ऐसे होता है ये वाटर सरफेस है यहाँ पे होता है आपका पॉइंटर यहाँ पे होता है पॉइंटर और ये होता है मिनिस्कस तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रॉस वायर फोकस करके रीडिंग लेते हैं जो कि आई है ये सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव और उसके बाद यहाँ पे फोकस करते हैं तो ये हाइट एक्चुअल में हम कैलकुलेट करते हैं फॉर वाटर एंड फॉर सोप सोलूशन तो ये हाइट कितनी आई है फोर, फोर पॉइंट थ्री फाइव नाइन ठीक है ये करने के बाद आप दूसरे बीकर के साथ रीडिंग लीजिए जिसमें सोप सॉल्यूशन है तो सोप सॉल्यूशन के साथ मेनस्कस की रीडिंग आती है सेवन पॉइंट नाइन फाइव थ्री और टिप की रीडिंग आती है सिक्स पॉइंट नाइन फाइव फोर तो यहाँ से ये दोनों कॉलम का डिफरेंस आप कैलकुलेट कीजिए ये एक्स है ये वाई है एक्स माइनस वाई आपने कैलकुलेट किया तो यहाँ पर साफ तौर पर दिख रहा है कि जो हाइट ऑफ वाटर है हाइट ऑफ वाटर एच डब्ल्यू यहाँ पे मैंने स्मॉल से लिखा है स्मॉल एच डब्ल्यू ये ज़्यादा है और हाइट ऑफ डिटर्जेंट कम है मतलब यहाँ पे साफ़ तरीके से नजर आ गया कि हाइट ऑफ वाटर इज ग्रेटर दैन हाइट ऑफ सोप सोल्यूशन मतलब सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज ग्रेटर दैन सरफेस टेंशन ऑफ सोप सोल्यूशन एंड देट्स वाई इनसाइड द कैपिलिटी ऑफ वाटर राइज इज मोर देन अ सोप सोल्यूशन ये आपका कंक्लूजन रहेगा तो ये रिजल्ट आपने लिखे और यहाँ पे आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया जो बात मैंने बोली है वो कंक्लूजन में यहाँ पे लिखी है ठीक है तो ये सारे हेड्स आपको वाइल्ड राइटिंग द एक्टिविटी कंप्लीट करने हैं एक्टिविटी जो होती है वो पाँच मार्क के लिए होती है